कर्नलगंज पुलिस द्वारा कचहरी परिसर और अन्य स्थानों से चोरी की गई 7 मोटरसाइकिलें बरामद करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है तथा 1 अभियुक्त फरार हो गया है। पुलिस लाइंस में प्रेस वार्ता के दौरान पुलिस अधिकारी ने बताया कि जनपद न्यायालय के नए भवन के बेसमेंट में बने पार्किंग से न्यायालय के कर्मचारियों की 2 मोटरसाइकिलें एक ही दिन में चोरी कर ली गई, जहां पर न्यायालय के अधिकारियों कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों के वाहन खड़ा करना प्रतिबंधित है। उक्त घटना का त्वरित संज्ञान लेते हुए सीसीटीवी फुटेज को देखा गया तो ये लोग परिसर में जाकर अपने मोटरसाइकिल पार्किंग में खड़ा करते हैं और पहली बार में न्यायालय पार्किंग में खड़ी स्प्लेंडर प्लस को चुरा ले जाता है, पुनः अपना पोशाक बदलकर दूसरी बार आता है और स्प्लेंडर प्लस को चुरा ले जाता है, उसके बाद पुनः तीसरी बार अपनी मोटरसाइकिल को भी ले जाता है। उक्त फुटेज के आधार पर इनकी गिरफ्तारी की गई है। पुलिस ने ये भी बताया कि अधिवक्ता महेंद्र कुमार दुबे और उसके मुंशी पवन कुमार मिश्रा एवं जूनियर अधिवक्ता आनंद शुक्ला का एक गिरोह है, जो अधिवक्ता की वेशभूषा में मोटरसाइकिल की चोरी करते हैं। मौका पाकर अधिवक्ता महेंद्र कुमार दुबे अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया। उसकी गिरफ्तारी शीघ्र की जाएगी। ये थाना कर्नलगंज में स्थानीय पुलिस द्वारा 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से कुल 7 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। ये हमको पता चला है कि पिछले 1.5 महीनों में टोटल 7 गाड़ियों इन्होंने चोरी किया है। इनका मोडस ऑपरेंडी यही है कि भीड़भाड़ क्षेत्र है जहाँ ये पार्किंग की व्यवस्था है नहीं या कोई रास्ते में कोई गाड़ी रोड में खड़ी गई है, उन्हीं गाड़ियों को टारगेट करते हैं और ये चोरी करने के बाद इसको ये पर्सन जो जिन जिन का रिक्वायरमेंट है हमको जो गाड़ी का ज़रूरत है उसको ये कम रेट में बेच देते हैं। इसका कोई कोई कबाड़ी से कोई कांटेक्ट नहीं है इस चीज़ का, जो भी गाड़ी का ज़रूरत बताते इनको बेच देते हैं। इनका कोई अपराधिक इतिहास? इसमें एक आनंद शुक्ला है, इनका पहले 2019 में NDPS एक्ट में वो जेल जा चुके हैं और एक और अभियुक्त फरार है, उसका नाम महेंद्र कुमार दुबे है। जिन ये आनंद शुक्ला के बयान में ये पाया गया है ये अधिवक्ता के काम करता है और ये 2015 में भी एक और मुकदमा भी वांछित भी है और उसके लिए अलग से टीम भेजकर यह अग्रिम कार्रवाई की सुनिश्चित की जाएगी। इस संबंध में थाना नवाबगंज में मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। मुंशी जी कौन है? वकील साहब कौन है? वकील साहब।